तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम जो सारे पढ़ने जा रहे हैं ना ऑपरेटर्स, वो हम कौन कौन से पढ़ने जा रहे हैं? इक्वालिटी ऑपरेटर, कि जी दो वैल्यू को अगर हमने चेक करना है कि जी दो वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है या नॉट इक्वल है, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल। कि भाई अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अगर तो मैंने उसको कंडीशन को ट्रू करा के कोई काम करवाना है, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, अब ये ऑपरेटर सारे मेरा ख्याल है आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगा सवाल। अच्छा भाई, तो ग्रेटर देन और लेस देन ये हम दोनों इस्तेमाल कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि जी अच्छा ये जिस साइड ये इसका मुंह खुला हुआ होता है, ये असल में इंडिकेट कर रहा होता है कि ये साइड बड़ी वैल्यू है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम के नॉब से आपको इसकी मिसाल देके समझाई थी कि जी वॉल्यूम के नॉब में वो बना होता है कि जी इस तरफ घुमाएंगे आप तो वो कम होगा और इस तरफ घुमाएंगे ना तो ज़्यादा होगा। सही है, ये आप देख रहे हैं इस तरफ वो इंडिकेट कर रहा है कि इस तरफ घुमाएंगे तो कम होगा, इस तरफ घुमाएंगे ऐसे यूँ तो ज़्यादा होगा वॉल्यूम। और इसमें कोई मुझे अच्छा, ये मैंने नॉब लिख दिया ना तो वो सीधे नॉब ही आ रहे हैं सारे, इसको मैं स्लाइडर लिखूँगा ना मैं तो शायद ये मुझे ओल्ड टीवी लिख देता हूँ साथ में। हाँ ये वाला देख रहे हो, इसकी मैंने आपको मिसाल देके समझाई थी कि इस नॉब में ना ये कह रहा है कि जी आप अगर इसको इस साइड पे मूव करोगे ना, यहाँ ऐसे यूँ आप चलाओगे इसको तो वॉल्यूम बढ़ेगा और यूँ चलाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो असल में ये ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन है ना, असल में वो ये वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लिखते लिखते वो दोनों साइड हैं उन्होंने। आप देखो इसमें एक जो है ना वो पैरेलल में चल रही है और एक इसके परपेंडिकुलर चल रही है ना, लेकिन अभी उन्होंने दोनों को ही मतलब परपेंडिकुलर कर दिया है, क्योंकि वो लिखते लिखते ना कुछ हो जाता है। मिसाल के तौर पे वो मल्टीप्लाई का जो साइन है ना मैथ में, तो वो उसको अब लिखते ही नहीं है, वो लिखना ही छोड़ दिया उसको, कि मल्टीप्लाई एक्स करके लगाते थे लेकिन अब वो नहीं लगाते, पता नहीं उनको ज़रूरी नहीं लगता शायद, तो वो लिखने के लिए हैंडी होता है इस वजह से वो चक्कर है। वेल तो मैंने इसकी मिसाल देके आपको समझाई थी कि जी ये वो लेस देन और ग्रेटर देन को ना आपने अगर कोई भूल जाता है या कोई उसमें कन्फ्यूज होता है तो वो इस तरह से उसको याद रख सकता है। अच्छा, अब ज़रा इक्वालिटी हम देख लेते हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर में क्या होता है कि जी टेम्परेचर अगर एग्जैक्टली यहाँ पे मैं वो लेट करके वो भी बना देता हूँ, ठीक है, अगर टेम्परेचर एग्जैक्टली 40 होगा तो ये बोलेगा कि भाई कंडीशन मेरी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, और इस बॉडी को वो चला देगा, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कंडीशन इज ट्रू, सही है, और एल्स में मैं यही बात लिख देता हूँ कि जी कंडीशन इज फॉल्स। तो अगर एग्जैक्टली 40 होगा ना तो ही ये चलेगा। आगे ज़रा इसको भी चला लेते हैं हम, ठीक है, कंडीशन अभी ट्रू है। अब जैसे ही ये 41 हो जाएगा या 42 हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा इसके अलावा, तो वो फॉल्स होना शुरू हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू है। लेस देन और इक्वल्स टू में क्या होता है कि जी टेम्परेचर या तो लेस हो या तो इक्वल्स हो, ठीक है, किसके 40 के। तो अब ये 40 पे भी ट्रू होगा और 40 से लेस पे भी ट्रू होगा, लेकिन 40 से बड़े पे ये ट्रू नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसमें क्या होगा जी 40 पे भी ट्रू होगा ये, और 40 से अगर बड़ा नंबर होगा तो भी ट्रू होगा, छोटे पे ट्रू नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू एक है। नॉट इक्वल टू क्या करता है जी, कि जो इक्वालिटी है ना उसका अपोजिट है ये। अब ये क्या होगा, अगर टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 40 होगा ना तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ट्रू नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ 40 के अलावा जितने भी नंबर है सब पे ये ट्रू होगी, सिर्फ 40 पे ये फॉल्स होगी। सही है, ये इसका मतलब है। तो मिसाल के तौर पे अभी ये कंडीशन क्या है इस वक्त ये फॉल्स है कंडीशन, ठीक है।
और जैसे ही मैं 40 के अलावा कोई भी नंबर लिखूंगा तो ये ट्रू होना शुरू हो जाएगी, चाहे मैं 41 लिखूं चाहे मैं 39 लिखूं, ठीक है, 41 पे भी ट्रू है और 39 पे भी ट्रू है, 39 पे भी ट्रू है। अच्छा, तो ये हमने जो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर थे बेसिक किस्म के, वो सारे कवर कर लीजिए। हाँ, डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू में आपको ना डबल इक्वल्स टू का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, ये फ़र्क है, ठीक है? नहीं, डबल इक्वल्स टू का आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, बस ये फ़र्क है, आपने हमेशा ट्रिपल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करना है। सही है, तो इससे ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि उन दोनों में डिफरेंस है क्या, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे अभी नए वाले जो है ना, वो सब रेकमेंड करते हैं कि ट्रिपल इक्वल्स टू लगाएं, डबल को आप इस्तेमाल ही ना करें। हाँ, वो भी एरर दे देता है, सब लोग ये कहते हैं कि ट्रिपल इक्वल्स टू को इस्तेमाल करें, क्योंकि डबल इक्वल्स टू असल में चक्कर ये था कि इसका जो डबल इक्वल्स टू था ना उसमें था प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी नहीं पहले, ये तो थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उन्होंने बोला चलो खैर है यार, हो गई, अभी जैसे चलता है चलाने दो, तो उन्होंने वो उसमें कर दिया था प्रॉब्लम जब ये बन रही थी लैंग्वेज उस वक्त। अब वो हुआ ये कि देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या API जब बन जाती है ना तो उसको चेंज नहीं करते, बस वो बन गई है तो वो उसी तरह रहेगी। अब सही है, तो अब हुआ ये कि वो डबल इक्वल्स टू का जो प्रॉब्लम था ना, असल में बहुत सारे लोगों ने उस प्रॉब्लम को अपने लॉजिक में इस्तेमाल कर लिया, समझ रहे हो? वो वैसे तो वो बग था उसका, वो लेकिन था स्टेबल, वो हर दफ़ा उसी तरह आता था, ऐसा नहीं था कि कभी ये दे दिया कभी वो, था तो फिक्स कि जी डबल इक्वल्स टू का बिहेवियर हमेशा इसी तरह रहेगा। तो उस वक्त जो पढ़ा था जिन लोगों ने, उस तरह से वो उन्होंने उसको उसी तरह इस्तेमाल कर लिया। अब होता ये कि अगर वो डबल इक्वल्स टू का बिहेवियर चेंज करते ना अगर, तो जो पहले से बनी हुई प्रोग्रामिंग जो भी हुई भी थी ना, लोगों के सॉफ्टवेयर बने हुए थे, वो सॉफ्टवेयर ब्रेक होना शुरू हो जाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो यार जो डबल है ना उसको छोड़ दो, एक और तीसरा लगा देते। तो हुआ ये था असल में, अब वरना अदरवाइज जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें डबल इक्वल्स टू ही होता है, ट्रिपल इक्वल्स टू किसी में भी नहीं होता, और बिहेवियर वो ट्रिपल इक्वल्स टू वाला देता है सब। तो इन्होंने इस वजह से बाद में इन्होंने बोला यार एक और लगा दो, एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवा दो, जो पहले वाला है ना उसको छेड़ा नहीं, क्योंकि API छेड़ते नहीं है। छोटी सी अनाउंसमेंट कर दें कि वेडनेसडे की ऑफ तो है लेकिन फिर भी ग्रुप में अपडेट रहेगा, क्या पता कि आना भी हो। ये कर दें आप, ठीक है, ये माइक आप, ये आप लोगों की, आपको पता है बुध को छुट्टी होगी, और कब तक होगी जरा छुट्टी ये भी बता दें कितने दिन की है। लेकिन आप अपडेट रहना क्योंकि कंफर्म नहीं कि बुध को हम बुलाएंगे, छुट्टी होगी, सही है? और फ्राइडे, फ्राइडे तो वो तो होगी ना छुट्टी, वो तो ईद है, ईद पे आना है। और ईद के बाद कौन से दिन आना है जरा, ईद के बाद फौरन मंडे में आ जाना है, ठीक है? MW, ठीक है, थैंक यू। चलिए सही है जी। हाँ, डबल इक्वल्स टू में जो भी बहरहाल मसले हैं वो आपने नहीं देखना, आपने उसको भूल जाना है, आपने ये बात भूल जानी है कि जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल्स टू नाम की कोई चीज़ है, ठीक है? तो आपने सिर्फ ट्रिपल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करना है, वो सबसे बेहतर है सोल्यूशन है ना, बजाय इसके कि यार वो पुरानी चीज़ है उसको आप वो सीखें, आपका उससे कोई अब ताल्लुक नहीं रहा, वो पुरानी चीज़ हो गई। डबल इक्वल्स टू क्या हो गया, पुराना आइटम हो गया। हम सीखेंगे सबसे नया वाला जो किसी को भी नहीं आता, VS कोड को भी नहीं आता। अच्छा, अब ये तो चलो ऑपरेटर हमने गो थ्रू कर लिया जल्दी जल्दी, अब एक चीज़ समझ लो बहुत गौर से कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, हमेशा क्या करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, इफ़ एल्स को भी क्या चाहिए होता है, यहाँ पे इफ़ की जो कंडीशन है इसको यहाँ पे या तो ट्रू चाहिए होता है या तो फॉल्स चाहिए होता है, हम ये बात देख चुके हैं पहले, ठीक है? तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बूलियन रिटर्न करेगा। अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ मैं, और रोक के जो है ना मैं यहीं पे एक कंसोल डॉट लॉग लगा रहा हूँ, और अच्छा इतना पार्ट जो है ना मुझे या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, इसको मैं थोड़ा अभी सिंपल कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मुझे इस वक्त क्या देना चाहिए, उसको फॉल्स देना चाहिए। अच्छा, तो ABC के साथ फॉल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, आगे देखते हैं क्या होता है। सही है, फॉल्स हो गया ये। अच्छा, ये फॉल्स आप देखें बूलियन है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये बूलियन हुआ है, यानी कि वो बाकायदा वो फॉल्स डेटा टाइप है ये बूलियन वाले।
अच्छा तो ये बात समझ आ गई कि हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर जो होगा वो क्या देगा हमें, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा इसी तरीके से जो मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हमेशा क्या देते हैं, मुझे एक नंबर देते हैं, जैसे प्लस हमेशा एक नंबर देगा, ठीक है। अच्छा नहीं प्लस लेकिन वो स्ट्रिंग भी दे सकता है अगर कॉन्कैटिनेशन हो रही है तो, लेकिन माइनस हमेशा एक नंबर देगा या एन ए एन दे देगा मुझे, एरर अगर आया तो एन ए एन दे देगा। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड भी मुझे या तो नंबर देंगे या तो एन ए एन देंगे। प्लस मुझे क्या देगा, एन ए एन नहीं देगा कभी, प्लस मुझे या तो नंबर देगा या तो स्ट्रिंग दे देगा। अच्छा और कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बूलियन देगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है छोटा छोटा, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो, अगर आपका कोई सवाल है तो वो पहले पूछ लो। आप कोई सवाल है किसी का कंपैरिजन ऑपरेटर से मुतालिक? अच्छा जी अभी तो हमने नंबर को चेक किया था ना, तो स्ट्रिंग को भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा ये क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, ट्रू रिटर्न करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसका सी कैपिटल कर दूं तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। सब लोग श्योर हैं कि फॉल्स हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही जवाब है कि फॉल्स हो जाएगा भाई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा तो इससे मैं नंबर को कंपेयर कर सकता हूँ, इससे मैं स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकता हूँ, इससे मैं दो बूलियन को भी कंपेयर कर सकता हूँ आपस में। इसको मैं दो बूलियन को भी, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू और यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रू, तो ये ट्रू में रिटर्न देगा मुझे, क्योंकि अच्छा ये इधर वाला भी ट्रू है इधर वाला भी ट्रू है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मुझे ये क्या दे देगा रिटर्न, मुझे ये ट्रू दे देगा, ठीक है जी कंडीशन इज ट्रू। अच्छा किसी एक को अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो ये अब मुझे फॉल्स देने लग जाएगा, फॉल्स देने लग जाएगा, ठीक है ये समझ आ गया। तीनों जो बेसिक डेटा टाइप है तीनों को कंपेयर कर सकता हूँ इस समय। अब वापस आ जाते हैं हम इधर। अच्छा अब ये दोनों मैंने कार लिख दिया, जब मैं इसको इक्वालिटी ऑपरेटर के ज़रिए चेक करता हूँ तो क्या होता है, ये मुझे ट्रू देता है। अगर मैं इसको ये लगा दूँ, अब क्या होगा, या तो एरर दे देगा या तो फॉल्स आ जाएगा या तो ट्रू। देखो बूलियन के अलावा कोई और चीज़ रिटर्न नहीं करेगा ये, अगर या तो एरर आएगा या तो ट्रू फॉल्स आएगा, अब बताओ क्या आएगा, एरर आ जाना चाहिए, फॉल्स आ जाना चाहिए। फॉल्स क्यों आना चाहिए, असल तो देखो तुक्का तो मैं भी लगा दूं ना ट्रू आया फॉल्स, क्यों आना चाहिए फॉल्स, दोनों वैल्यू सेम है इसलिए फॉल्स आ जाना चाहिए। कि जी कार जो है वो इक्वल तो हो सकता है कार के, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है ना भाई, अगर यहाँ पे एक इधर वन होता और इधर भी वन होता तो इक्वल तो हो सकता था, दोनों एक दूसरे से छोटा नहीं हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे इस लॉजिक के तहत यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं आता, फॉल्स आ गया, ठीक है। अच्छा ये बात समझ आई सबको, ये असल में हमने ऑपरेटर को नहीं अभी एक्सप्लोर किया, हमने वैसे ही लॉजिकली बात सोची कि अच्छा यार जब दोनों इक्वल पर ट्रू है, जो भी बात इक्वालिटी के ऑपरेटर पर ट्रू आ रही है वो लेस देन ग्रेटर देन दोनों पे फॉल्स ही रहनी चाहिए, ठीक है नंबर में भी ऐसे ही होता है तो स्ट्रिंग में ऐसा है। अच्छा अब बताओ मुझे कौन सा वाला जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा ये तो पता चल गया कि एरर नहीं देता है, दो स्ट्रिंग को अगर मैं, अगर दो स्ट्रिंग वैल्यूज को कंपैरिजन ऑपरेटर से अगर मैं कंपेयर मारूं तो वो एरर तो नहीं देता है, तो ट्रू फॉल्स ही देगा ही। अब बताओ ट्रू देगा या फॉल्स देगा, और क्यों आपको ऐसा लगता है ट्रू देगा, क्यों यार जावास्क्रिप्ट को क्या पता है कि कार का साइज कितना होता है, और फिर कार कौन सी है, रियो है या अगर रियो गाड़ी है तो फिर वो तो बड़ी है, और अगर थोड़ी छोटी वाली है, अच्छा कैट भी कौन सी है, कैट भी एक तो छोटी बिल्ली म्याओं होती है और एक होती है बड़ी बिल्ली जिसको कहते हैं बिग कैट, चीता वीता। तो ये जावास्क्रिप्ट को बहरहाल ये चीज़ें नहीं पता कि रियो गाड़ी क्या होती है, ये सिर्फ हमें पता है।
हाँ भाई, क्या लगता है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वैसे तो हमने टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक हमने कवर कर लिया है, ये जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है हमारे पास, है अभी 2-4 मिनट और है ना हमारे पास, तो बस ये लास्ट मोमेंट पे हम जरा देख रहे हैं कि क्या चक्कर है। एसकी टेबल के मुताबिक दोस्त कह रहे हैं कि ये चेक करेगा शायद। हाँ भाई, एक दोस्त कह रहे हैं एसकी टेबल के तहत उसको ये चेक करेगा, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अरे फॉल्स क्यों भाई, सवाल ये है ना, इक्वल है ना छोटा है, ऐसा कैसे हो गया? हाँ यही असल सवाल यही है कि ट्रू और फॉल्स का फैसला कैसे करेगा, वो पता चल गई बात तो सारी बात पता चल जाएगी। एक दोस्त ने कहा कि भाई ट्रू फॉल्स का फैसला ये ऐसे करेगा, यानी छोटे या बड़े का फैसला ये ऐसे करेगा कि इसको ये एस्की ऑर्डर देखेगा, इसका एस्की कोड देखेगा। तो एक तो राय आई है ना, एक ओपिनियन आया है, आपका कोई ओपिनियन है तो आप बताएं। क्यों फॉल्स क्यों, कैसे करेगा? अल्फाबेटिकली चेक करेगा नहीं, मतलब अल्फाबेटिक चेक करेगा तो ये इसमें रिजल्ट क्या आएगा ज़रा वो भी बता देना। ट्रू आएगा। एक दोस्त कह रहे हैं कि अल्फाबेटिकली चेक करेगा और इसमें ट्रू आएगा। जो एस्की वाला कह रहे थे एस्की से चेक करेगा, वो बताएं क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? हाँ एस्की की वैल्यू चेक कर लो, चार्ट तो आ रहा होता है ना गूगल पे। हाँ एक दोस्त ने कहा यार हो सकता है लेंथ चेक करे, तो अगर लेंथ चेक कर रहा है तो वो तो फिर बराबर है दोनों की, तो लेंथ बराबर है तो अगर लेंथ से चेक करता है अगर तो फॉल्स आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर 3 not less than 3 अगर एक तरफ ज़्यादा होता तो फिर चक्कर होता दूसरा, 3 is not less than 3 तो अगर तो लेंथ को चेक करता है तो ये फॉल्स आ जाना चाहिए। अच्छा पहले लेंथ वाला जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं ना, इसकी मैंने लेंथ बढ़ा दी ठीक है, तो अब ट्रू हो जाना चाहिए, अगर लेंथ का चक्कर हुआ तो ट्रू हो जाना चाहिए, फॉल्स है सही है, तो लेंथ वाला चक्कर तो नहीं है। अच्छा और दूसरे दोस्त क्या कह रहे थे? नहीं वो एस्की कोड वाला, एस्की कोड कह रहे थे ना। अच्छा तो एस्की कोड जो है वो AAA का जो है वो पहले आता है ना, 97 है तो AAA का पहले आता है नहीं। अच्छा एक का तो, ए का तो 97 है, लेकिन अगर 3A है तो अच्छा चलो मैं बता देता हूँ क्या चक्कर है ये नहीं वो आएगा कैसे, असल में वो देखेगा लेक्सिकल ऑर्डर ठीक है। लेक्सिकल ऑर्डर क्या चीज़ होता है, जिसको हम डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं। डिक्शनरी में कैट पहले आता है या कार पहले आता है? ए बी सी डी एफ जी एच आर एस टी, आर पहले आता है ठीक है, तो कार पहले आएगा, तो कार पहले आएगा, यानी गिनती में जो चीज़ पहले आती है वो छोटी होती है ना, तो कार पहले आएगा तो कार छोटा है कैट बड़ा है, कार छोटा है और कैट बड़ा है, इसलिए ये फॉल्स है ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। अच्छा इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम एक दो और कैरेक्टर देख के। अच्छा मैंगो पहले आता है या कार पहले आती है? कार पहले आती है ना, तो इसका मतलब है कि मैंगो इधर करूँगा, अगर मैं मैंगो पहले आता है यानी मैंगो को मैंने बोला कि छोटा है और कार को मैंने बोला बड़ा है, तो ये भी ट्रू है ना, ये ट्रू हो जाना चाहिए ना, अगर तो लेक्सिकल ऑर्डर को देखता है ये, तो ये फॉल्स है। मैंगो बाद में आता है, मैंने साइन भी साथ में चेंज किया ना, तो मैंगो बड़ा है, एम बाद में आता है, सी पहले आता है, तो अब ये ट्रू हो जाना चाहिए, अब ये ट्रू हो गया। मुश्किल सवाल तो था, तुमने जवाब नहीं दिया। जो पहले डिक्शनरी ऑर्डर में जो वर्ड पहले आएगा ना उसको ये फॉलो करता है। अच्छा अब मुझे एक लास्ट सवाल का जवाब दो और फिर हम छुट्टी करते हैं ठीक है, अलार्म भी बज गया हमारा छुट्टी का अलार्म अच्छा
एक तरफ मेरे पास है 1000 और दूसरी तरफ मेरे पास है मे बी 40। अब मुझे बताओ कि मैं बोलता हूँ कि यार 1000 बड़ा है और 40 छोटा है, तो इसमें क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है? वैसे तो लेक्सिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। स्ट्रिंग को हाँ, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है तो नंबर को भी लेक्सिकल ऑर्डर में देगा ना। हाँ भाई, लेक्सिकल ऑर्डर में 1000 पहले आता है या 40 पहले आता है? 40 पहले आता है लेक्सिकल ऑर्डर में, 1000 पहले आता है लेक्सिकल ऑर्डर में। अगर लिखेंगे हम तो 1000 पहले आएगा ना भाई, 40 थोड़ी आएगा पहले। बता, समझा देता हूँ कैसे, समझा देता हूँ। देखो, लेक्सिकल ऑर्डर में पहले था कार, उसके बाद था कैट, यही था ना। यानी पहले वाले जो वर्ड हैं वो सेम रहते हैं, लास्ट वाला आगे बढ़ रहा होता है ना, लास्ट वाला चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई और वर्ड होता, मिसाल के तौर पे, वैसे तो ये कोई वर्ड नहीं होता, CAZ अगर कोई वर्ड होता तो ये इसके बाद होता, ठीक है। तो शुरू वाले जो है वो कैरेक्टर, अच्छा अब फिर उसके बाद सी के बाद कोई डी से अगर आता है, कोई डॉग आता है तो डॉग इसके बाद होगा, सही है। उसके बाद अगर कोई वर्ड मुझे लिखना है मिसाल के तौर पे मैंगो, तो मैंगो जो है वो इसके बाद होगा। तो आप देख रहे हैं कि शुरू वाला कैरेक्टर से अलाइन हुआ हुआ है पहले। डिक्शनरी ऑर्डर में ये होता है ना कि सब पहले सी से सारे वर्ड हैं, फिर डी से सारे वर्ड हैं, फिर ई एफ जी एच से चल रहा है, आगे वाले मैटर नहीं करते। अच्छा अब देखो, अगर शुरू के दो लेटर सेम हैं तो फिर मैं तीसरे वाले लेटर को देख के उसको अलाइन कर रहा हूँ, यही हो रहा है ना। तो अगर मेरे पास लेक्सिकल ऑर्डर में मैं लिखूँगा 1, ठीक है, इसके बाद मुझे लिखना है 2 लिखना है, ठीक है, इसके बाद मुझे लिखना है 9, और इसके बाद मुझे लिखना है 10। तो 10 कहाँ आना चाहिए? 10 क्या यहाँ आना चाहिए? 1 के बाद आना चाहिए 10। नहीं नहीं, लेंथ क्यों चेक होगी, ये 1 के बाद आना चाहिए ना 10। है ना, देखो पहले वर्ड से हो रहा है ना अलाइन। देखो ऊपर भी मैंने डिक्शनरी ऑर्डर में तो यही किया था। अब 1000 हो, 1 लाख हो, ये 1 वाला है ना तो 1 के साथ ही आएगा। हाँ यार, मुझे शक्ल नज़र नहीं आ रही, खड़े होके पूछो ज़रा। हाँ नहीं, अगर मिसाल के तौर पे ये 101 है अगर, तो ये अब किधर आएगा? तो अब ये इधर आएगा, नीचे आएगा, उस वाले से बड़ा है ये लेक्सिकल ऑर्डर में। भाई लेक्सिकल ऑर्डर में ये छोटा हो गया ना, क्योंकि इसका जो थर्ड डिजिट था वो 0 था, इसका थर्ड डिजिट है वो 1 है। स्ट्रिंग अगर हटा देंगे तो फिर तो वो नंबर नॉर्मल हो जाएगा ना। अच्छा अब अगर मुझे लिखना है इसमें 9000 किधर आएगा? भाई 9 के बाद आएगा, जहाँ पे 9 है वहाँ पे आएगा 9000। लेकिन 2000 किधर आएगा? वो 2 के बाद आएगा। तो अब ये मैंने लेक्सिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 10000 छोटा है और 2 बड़ा है, यही है ना। आगे लिख के देख लेते हैं, ठीक है, 10000 लिख दिया एक तरफ और एक तरफ लिख दिया 2, ठीक है। तो 10000 छोटा है और 2 बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा लिहाजा, ठीक है। इसको मैं बल्कि ट्रू करा देता हूँ ये लोग, ठीक है, 10000 छोटा है और 2 बड़ा है, ये बात ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो लेक्सिकल ऑर्डर समझ आया नंबर्स का? नंबर्स को जब मैं लेक्सिकल ऑर्डर में लिखता हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। ये बताने का मेन रीज़न क्या है, ये मैंने क्यों बताया है एक्सप्लिसिटली, ये इस वजह से बताया है कि कभी भी अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहा होता हूँ तो मुझे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मेरा जो नंबर है वो नंबर के फॉर्म में है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं होगा। अगर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर हुआ कभी गलती से, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से ये दे रहा होगा, फिर एरर वेरर नहीं देगा, ये बोलेगा भाई कंपैरिजन है, बस कंपैरिजन कर दिया हमने, आपने जो बोला था वो हो गया। रिजल्ट वैल्यू तो बूलियन ही रिटर्न कर रहा है, या तो ये पूरा जो स्टेटमेंट, ये जो पूरा एक क्या यार उसको एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा
है ना, ये कंपैरिजन एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन वो जो क्राइटेरिया है उसके रिटर्न करने का, अब वो लेक्सिकल ऑर्डर है क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ मैं कि अगर एक तरफ ट्रू या एक तरफ फॉल्स लिखूंगा मैं, क्योंकि हम नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, हम बूलियन को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो बूलियन को अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे लगाऊंगा इसके साथ यहाँ पे, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आपने इसको खुद से एक्सप्लोर करना है और मुझे नेक्स्ट क्लास में आपने आगे बताना है कि भाई एक स्ट्रिंग और एक बूलियन, एक नंबर और एक बूलियन, या दो बूलियन, ये कैसे बिहेव करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये आपसे ओपिनियन, आप ज़रा हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक और सेशन होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।